हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 3% डीए की नोटिफिकेशन पर जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है, यानी कि आज जारी कर दी है। और इससे हिमाचल के सभी गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी इम्प्लॉयज हैं उनको इसका फायदा होने वाला है, न केवल कर्मचारियों को बल्कि अधिकारियों वो जुडिशियल सर्विसेज में जितने भी इम्प्लॉयज हैं उन सभी के लिए जो है 3% जो डीए की अधिसूचना जारी कर दी गई है फाइनेंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर हम डीए की बात करें तो वो पहले 31% था, अब 31 से बढ़कर 34% हो गया है, यानी कि 3% की इसमें हाइक है। और जो बेसिक सैलरी है वो आपकी 3% बढ़ेगी। जिन दोस्तों को या जिन कर्मचारियों को पता नहीं है कि किस प्रकार से सैलरी की कैलकुलेशन की जाती है, तो उनके लिए मैं एक उदाहरण यहाँ पे दे रहा हूँ और उसी उदाहरण के बेस पे भी आप अपनी सैलरी की कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि उनकी सैलरी में कितने रुपए की बढ़ोतरी हो गई है 3% डीए के बाद। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज के टॉपिक को शुरू। माय डियर फ्रेंड्स, ये उदाहरण मैंने एक जेबीटी का लिया हुआ है जिसकी बेसिक 37,600 रुपए है। ये केवल एक उदाहरण है और सैलरी कैलकुलेशन जो है इस प्रकार से की जाती है। एग्जैक्ट सैलरी की अगर हम बात करें तो उसमें वेरिएशंस होती हैं, क्योंकि बेसिक पे अलग होगी तो डीए भी अलग होता है। जो सीनियर जेबीटीज हो गए या सीनियर टीचर्स हो गए तो उनकी बेसिक भी ज्यादा होती है और उस आधार पे जो है पे ऊपर नीचे होती है, परंतु कैलकुलेशन का तरीका यही रहेगा। इसलिए मैं ये आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक जेबीटी की जिसकी बेसिक जो है 37,600 रुपए है, और बेसिक की बात करें तो 37,600 रुपए, और उसके बाद हम डीए की बात करें तो उस ये बनता है 12,784 रुपए। यह 34% डीए के अनुसार जो कि पहले 31% था, अब जो है 3% इसमें ऐड हो गया है और ये 34% हो गया है। 34% डीए के अनुसार जो है 12,784 रुपए ये बन रहा है। ओके दोस्तों, उसके बाद एचआरए की अगर हम बात करें तो ये 250 रुपए है। आपको बता दें कि ये एचआरए 250 रुपए जेबीटी को मिलता हो सकता है, टीजीटी को अलग मिलता हो या किसी दूसरे कर्मचारी को ये अलग मिलता हो, इसमें वेरिएशन हो सकती है। सीए में भी वेरिएशन हो सकती है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे 200 रुपए जेबीटी को मिलता है वो यहाँ पे है। तो एमए यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे मेडिकल अलाउंसेस की, तो जिन्होंने फिक्स किया है उन्हें 400 रुपए मंथली मिलता है, जिनका ओपन है उन्हें ये नहीं मिलता है। ओके दोस्तों, तो ग्रॉस सैलरी की अगर हम बात करें तो वो 51,234 रुपए होती है, और इंश्योरेंस फंड उसमें हमारा 9 रुपए रहता है और 21 रुपए सेविंग फंड रहता है। जो टोटल डिडक्शंस की बात करें तो वो 30 रुपए होता है, और उसके बाद नेट सैलरी की अगर हम बात करें तो वो 51,204 रुपए बनती है। ओके दोस्तों, 51,204 रुपए जो फिक्स सैलरी मिल रही है वो मिल रही है नई नोटिफिकेशन या मेमोरेंडम जारी होने के बाद, जिसमें जो है एनपीएस को खत्म करके ओपीएस की बहाली कर दी गई है, उसके अनुसार ये मिल रही है। पुराने अगर हम एनपीएस की बात करें तो इसमें 10% बेसिक सैलरी का काट दिया जाता था इंप्लॉयज का, और उसके बाद 14% जो है गवर्नमेंट इसमें ऐड करती थी। अब ये जो शेयर है वो टोटल बंद कर दिया गया है, तो अगर 10% हम जमा करना बंद हो गया तो 14% भी किसी प्रकार का देर नहीं रहेगा। तो ये जो बेसिक सैलरी इसलिए ओपीएस को मद्देनजर रखते हुए ये फिलहाल बनी है। ओके दोस्तों ये आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय नमस्कार।